अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आज हम अपने नए यूनिट उर्दू कवायद का आगाज़ करेंगे। ठीक है, उर्दू कवायद और पेज नंबर 30, किताब का पेज नंबर 30 निकालिए। इससे पिछले क्लास में हमने भाई ममदू का इमला पढ़ा था और भाई ममदू के इमले की तशरीहात और सारा मैंने आपकी वजाहत करी थी ना उसकी अशार की। ठीक है, और आपसे कहा था कि कॉपीज मिलने पर आप जो है तशरीह लिखेंगे। इंशाल्लाह आप तशरीह लिख चुके होंगे, कॉपियाँ मिल गई होंगी आपको। जिन्होंने दी थी और नहीं दी हैं तो फंड जल्द से जल्द कॉपियाँ जो हैं वो सबमिट कराएं। आज अपने नए काम का आगाज़ करेंगे, वो है सफ़ा नंबर 30 पर नसर निगारी, नए अंदाज से कहानी लिखना। किसी भी कहानी के बुनियादी अज्जा की तब्दीली से नई कहानियाँ तख्लीक की जा सकती हैं। ये कहानी पढ़िए। किसी जंगल से एक लोमड़ी गुजर रही थी, वो भूख से बेताब थी। दफ़तन उसकी नज़र एक कौवे पर पड़ी जो दरख्त पर बैठा था। कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा था। लोमड़ी का दिल ललचाया, उसने सोचा किसी तरह ये टुकड़ा कौवे से हासिल किया जाए। उसने कौवे से कहा, भाई कौवे, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारे ये काले पर कितने चमकदार हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इतनी प्यारी शक्ल के साथ तुम्हारी आवाज़ भी बहुत सुरीली होगी, ज़रा मुझे कुछ गा के तो सुनाओ। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने झट अपना मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, मुंह खोलते ही पनीर का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा और लोमड़ी टुकड़ा उठाकर ये जा वो जा, कौवे का गाना अधूरा ही रह गया। ये कहानी किसी अनदेखे रावी रिवायत बयान करने वाले को कहते हैं कि ज़बानी है। ये रावी कहानी में खुद ज़ाहिर हुए बग़ैर कहानी सुना रहा है। इस कहानी को किसी किरदार मसलन लोमड़ी की ज़बानी बयान करने से ये कहानी इस तरह शुरू होगी। मैं एक दिन जंगल से गुजर रही थी, भूख से बेताब थी। इसी तरह इस कहानी को कौवे की ज़बानी सुनाने से ये कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। एक दिन मैं दरख्त पर बैठा, पनीर का टुकड़ा। अब मैं आपको समझाऊँ कि मुसन्निफ़ क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको कहानी सिखाई जा रही है, कहानी जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। कहानी लिखने के तरीक़ेकार जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। इस ये जो कहानी लिखी हुई है कि यहाँ पर रावी ने कहानी बयान की है। आप जो किताब में आपने कहानी पढ़ी वो क्या है, किसी जंगल से एक लोमड़ी गुजर रही थी, कोई बयान कर रहा है, किसी रावी ने जिसने रिवायत की है। लेकिन अगर लोमड़ी खुद ही कहानी बताएगी तो वो कैसे बताएगी। जैसे कि वो ये कहेगी कि एक दिन मैं बहुत भूखी थी, ये लोमड़ी सुनाएगी, तो आपने कहानी को लोमड़ी की ज़बानी सुनाना है। या अगर ये कहानी रावी के बजाय खुद लोमड़ी बयान करती तो वो कैसे करती। ठीक है, वो कैसे कहेगी कि मैं एक दिन जंगल से गुजर रही थी, भूख से बेताब थी, अभी मैं आगे ही बढ़ी थी कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा, अब पूरी मैं नहीं बताऊँगी, इतना बताकर मैं आपको छोड़ रही हूँ। कहानी को आपने इस अंदाज में शुरू करना है और लोमड़ी की ज़बानी आप ये कहानी ख़त्म करें या फिर कौवे की ज़बानी। अब अगर कौवा बताएगा तो वो कैसा बताएगा, एक दफ़ा मैं जंगल से गुजर रहा था और दरख्त पर बैठा मैं पनीर का टुकड़ा खा रहा था, इतना मज़े का पनीर का टुकड़ा मेरे मुंह में था कि मैं उसे चबा चबा कर मज़े ले रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लोमड़ी आ गई और उसने मेरी ऐसी तारीफ़ की और मैं उसकी बातों में आ गया। अब इस तरीके से मैंने थोड़ा सा शुरू करके आपको बता दिया है। बच्चों, आपने इस कहानी को ख़ुद लिखना है, चाहें तो कौवे की ज़बानी लिखें, चाहें तो आप लोमड़ी की ज़बानी लिखें, लेकिन जिस तरह किताब में बयान की हुई है वैसे नहीं लिखना। वो तो एक रावी की बयान की हुई है ना, रावी ने कैसे बयान की। रावी किसे क्या होता है, रावी किसे कहते हैं, रिवायत करने वाले। उसे कि फ़र्ज़ करो आप कोई कहानी सुना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे, आप रावी कहलाओगे। लेकिन आपने ये कहानी किसके अंदाज शुरू करनी है, कौवा कहानी सुना रहा है या फिर लोमड़ी अपनी कहानी सुना रही है, इस तरीके से आपने ये कहानी लिखनी है। सफ़र नंबर 30 पर आपने ये वाला काम करना है कि आपने खुद से कहानी लिखकर मुझे देनी है। अच्छा बच्चों, मैंने बोर्ड पर खुलासा निगारी सफ़ा नंबर 55 भी तहरीर किया है। इसमें आपको अब ये दूसरा काम करना है। ज़ाहिर एक तो आपने कहानी लिखनी है और दूसरे आपने खुलासा निगारी का काम करना है।
खुलासा निगारी में किसी भी चीज़ को किसे कहते हैं खुलासा नहीं, तलखीस निगारी को, किसी पढ़ाई में आप सुने किसी इबारत की गैर ज़रूरी तफसीलात को निकाल कर असल वाक़ियात या मरकज़ी ख्याल को जामे अंदाज में दोबारा लिखने को खुलासा निगारी कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल से इबारत का खुलासा लिखने में मदद मिलती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मोटर कार चलाने वाले को डैश कहते हैं, को ड्राइवर कहते हैं। अब नंबर टू देखिए, भीख मांगने वाले को डैश कहते हैं। यहाँ सर्कल बना हुआ है, इसमें दिए हुए हैं जालिम, यतीम, कामचोर, भिखारी, तैराक, मौर्रिक, लाइलाज, मुहल्लिक, अनपढ़। पेंसिल से आप ये काम किताब में ही कर लीजिए। नंबर टू पे क्या आएगा बच्चों, भीख मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, भीख मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। नंबर थ्री देखिए, जो आदमी काम ना करता हो उसे डैश कहते हैं, जो आदमी काम ना करता हो उसे डैश कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा सोचिए, कामचोर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कामचोर। नंबर चार देखिए, जुल्म करने वाले को डैश कहते हैं, जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं, जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। नंबर फाइव देखिए, तारीख लिखने वाले को डैश कहते हैं, तारीख लिखने वाले को डैश कहते हैं। क्या आएगा, मौर्रिख, मीम व रे खे, मौर्रिख। नंबर सिक्स देखिए, पानी में तैरने वाले को डैश कहते हैं, पानी में तैरने वाले को तैराक कहते हैं, पानी में तैरने वाले को तैराक कहते हैं। वो बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हों डैश कहलाता है, यतीम कहलाता है। वो बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हों वो यतीम कहलाता है। वो शख्स, नंबर एट, वो शख्स जो लिख पढ़ ना सकता हो डैश कहलाता है, अनपढ़। वो शख्स जो लिख पढ़ ना सकता हो अनपढ़ कहलाता है। वो बीमारी या चोट जिससे मौत वाक़े हो जाए, वो बीमारी या चोट जिससे मौत वाक़े हो जाए डैश कहलाती है, मुहलिक। क्या कहलाती है, मुहलिक। वो बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो डैश कहलाती है, ला इलाज। वो बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो वो क्या कहलाती है, ला इलाज कहलाती है। अच्छा, ये तो हमने कर लिए खुलासा निगारी। अब इसी पेज पे आखिर में नीचे देखिए, आखिर में नीचे जो है वो दिया हुआ है, माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले बनाइए। ठीक है, यह मैं समझा चुकी थी आपको, माजी, हाल, फेले हाल कौन सा होता है, फेले माजी कौन सा होता है, फेले मुस्तकबिल कौन सा होता है। जो काम मर्द ज़माने में हो वो क्या कहलाता है, वो फेले हाल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहमद लिखता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये फेले हाल कहलाएगा। नंबर टू देखिए, फेले माजी, फेले माजी यानी कि वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो, जो काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो फेले माजी कहलाता है। ठीक है, इसका सेंटेंस आप सोचें, कुछ जुमला बनाएं, अहमद गया, अहमद गया, आयशा कल आई थी, आयशा आई थी। फेले मुस्तकबिल, फेले मुस्तकबिल, अली खाना खाएगा, अली खाना खाएगा, ये फेले मुस्तकबिल का। इस तरह आपने फेले हाल, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल के जुमले बनाने जो मैंने बनाए, उसके अलावा आपने ख़ुद अपने जहन से अलग से भी बनाने हैं। इस तरह ये वाला सारा काम करना है आपको, ठीक है, और ये वाला पेज, इस पेज के दोनों एक्सरसाइज करेंगे आप। सही कहानी नवैसी मैंने बता दी है आपको। अच्छा, पेज नंबर 54 के मुतरादिफ, ये अल्फाज आपने याद करने हैं, ये लिखने का काम नहीं है बल्कि आपको याद करना है। पेज नंबर 54, अमीर, मालदार, मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इसको आपने याद करना है। सही, एक्सरसाइज नंबर एक और एक्सरसाइज नंबर दो
दोनों आपको याद करनी है, इसके आपको मुतरादिफ अल्फाज याद करेंगे। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह जो है हमारी मुलाकात अब अगले लेक्चर में होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।